हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने शॉप के लिए छोटा एटीएम कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे SBI की साइट पर दोस्तों, और इसका लिंक है onlinesbi.com। दोस्तों, इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जहाँ पर SBI का लोगो है। दोस्तों, हम SBI की साइट पर आ गए हैं दोस्तों। तो जहाँ पर इस साइट से हमें रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे आगे हम सर्विस में जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर हमें एक लिंक दिखेगा मर्चेंट अकाउंटिंग बिजनेस POS। दोस्तों, मर्चेंट वाले इस टैब पर हम प्रेस कर देंगे दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो हमें रिडायरेक्ट होकर इस साइट पर ले आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक ट्रस्टेड साइट है दोस्तों, ये एक भारतीय स्टेट बैंक SBI की मेन साइट है दोस्तों, जहाँ पर हमें POS के बारे में बहुत जानकारी दी जाएगी दोस्तों। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्चेंट लॉगिन की फीचर्स, POS टर्मिनल टाइप्स दोस्तों, जहाँ पर हमें सब कुछ दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों, वैसे मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है दोस्तों। दोस्तों, ये मशीन हमें बिल्कुल फ्री मुहैया करवाई जाएगी दोस्तों SBI की तरफ से। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसके लिए पहले तो हमारे पास एक करंट अकाउंट होना भी ज़रूरी है दोस्तों। हमें इस मशीन को लेने के लिए करंट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो भी आप अप्लाई कर दें दोस्तों, बाद में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको विस्तार से जानने के लिए हम इस टैब में आएंगे वर्जन न्यू पर दोस्तों। तो नीचे हमें एक कैश POS यूज SBI POS टर्मिनल्स एज ए छोटा ATM के नाम से एक टैब दिखाई देगी दोस्तों, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों। जब हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमें एक PDF फाइल शो होने लगेगी, जहाँ पर हमें POS मशीन के बारे में सारा कुछ दिखाया जाएगा दोस्तों। इसमें एक और बता दूँ दोस्तों, हमें इसमें SBI की POS मशीन में 5 रुपये कमीशन मिला करेगा दोस्तों, 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन दोस्तों। जब हमने 5 रुपये विड्रॉ कर लिए दोस्तों कस्टमर से, तो हमें एक 5 रुपये का कमीशन मिलेगा दोस्तों, चाहे आप 100 रुपया विड्रॉ करें, चाहे आप 1000 रुपया विड्रॉ करें दोस्तों। तो दोस्तों, आपको दिखा दूंगा कि इन्होंने कहा है कि मिनिमम 100 रुपये एंड मैक्सिमम 1000 रुपये दोस्तों। एक आप मिनिमम 100 रुपया विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 1000 रुपया पर कार्ड पर डे आप विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, नीचे इन्होंने कहा है एक और, मर्चेंट गेट्स 5 रुपये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन दोस्तों। अगर हम एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर लेते हैं 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच बीच दोस्तों, तो हमें 5 रुपये का कमीशन मिल जाएगा दोस्तों। तो वो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कमीशन है। अगर हम 100 रुपये का भी यही ट्रांजेक्शन कर देते हैं दिन में 10, तो हमें दोस्तों 50 रुपये कमीशन मिल जाएगा दोस्तों। और ये मशीन दोस्तों बिल्कुल फ्री है, हमें इसके लिए कोई एक रुपया नहीं देना दोस्तों, इसका सिर्फ हमें महीने का रेंट देना पड़ेगा दोस्तों। आप इस रेंट के बारे में अपने नज़दीकी ब्रांच से भी पता कर सकते हैं दोस्तों कि इसका क्या रेंट होगा, महीने का रेंट होगा दोस्तों इसका, वो महीने के महीने इसका भरना होगा दोस्तों। तो हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ का एक टैब दिखाई देगी दोस्तों, तो हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। और जब हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम इस साइड पर ले आए हैं दोस्तों, SBI की एक और नई साइड है दोस्तों। इस साइड का मैं लिंक अपनी साइड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, तो आप सीधा उससे क्लिक करके भी जहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो आप स्टेप बाई स्टेप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर आके क्या क्या फिल करना है दोस्तों, जहाँ पर आपने अपना नाम फिल करना दोस्तों, अपना नेम फिल करना है, जहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना दोस्तों, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, सिटी वगैरह, जहाँ पर अपनी स्टेट फिल कर देनी है, जहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पर पिन कोड दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर पूछेगा हमें एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर, तो दोस्तों आप यस कर दें अगर आपके पास करंट अकाउंट है। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो नो कर दें, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप यस कर दें, नहीं तो
नो कर दें दोस्तों, आप बाद में भी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्रांच नेम भरना जो आपके नज़दीक पड़ती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच नेम फिल कर देनी है, जहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर और ऑफिस का फ़ोन नंबर फिल कर देना दोस्तों। अगर आपके पास उससे ऊपर एक फ़ोन नंबर है तो उसका भी फ़ोन नंबर आप फिल कर सकते हैं। जहाँ पर हमें अपनी मेल आईडी फिल करनी है, जहाँ पर हमें ये फिल करना है दोस्तों कि हम कितने एक दिन में कितने की ट्रांजेक्शन कर देंगे, 10,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम कितनी हम ट्रांजेक्शन फिल कर दिया करेंगे दोस्तों, जहाँ पर ये फिल कर देना है। और जहाँ पर हमें कितनी मशीन चाहिए, नंबर ऑफ POS टर्मिनल्स भी, हमें एक मशीन चाहिए, दो मशीन चाहिए, तीन मशीन चाहिए। तो दोस्तों जहाँ पर हम अपना ये कैप्चा फिल कर देंगे और जहाँ पर हमें सबमिट बटन फिल करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जब ये सब फिल करके सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो आपकी रिक्वेस्ट को जब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो आपका डाटा सिंपली आपका डाटा उन SBI की तरफ साइड पर पहुंच जाएगा दोस्तों। और SBI वाले आपको जल्दी ही संपर्क कर लेंगे और आपको ये मशीन लगवा देंगे दोस्तों। अगर आपको जल्दी ये मशीन चाहिए दोस्तों, तो आपको कोई एक रेफरेंस नंबर देगा दोस्तों। ये रेफरेंस नंबर लेकर आप अपने ब्रांच किसी भी नज़दीकी ब्रांच में मैनेजर साहब से मिल सकते हैं और यहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं कि हमने ऑनलाइन POS मशीन के लिए अप्लाई किया था और हमें POS मशीन चाहिए। तो आपको वो पूरी कार्रवाई बता देंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को BLE भाइयों तक पहुँचाएँ जिन्होंने POS मशीन चाहिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।